वैम मेथड मैंने आपको समझा दी थी और वैम मेथड सबके समझ में आ गई थी, ओके। सेकंड मेथड है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, सेकंड मेथड नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। अब देखो इसमें क्या होता है, ध्यान से समझना, आप क्वेश्चन किसी मेथड से कर सकते हो, कोई फिक्स नहीं है कि इसी मेथड से सॉल्व करना है। मैं वैम मेथड को ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा, उससे करना ज्यादा बेटर, क्योंकि आंसर एक या दो टेबल में आ जाता है। नॉर्थ वेस्ट या लोवेस्ट कॉस्ट मेथड से आंसर्स लेंथी हो जाता है, इजी है बट जो फर्दर कैलकुलेशन है वो बहुत टफ हो जाती है। तो देखो इसमें क्या स्टेप्स हैं, सबसे पहले वही टोटल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई मस्ट बी इक्वल, डिमांड एंड सप्लाई टोटल हमेशा क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। सेकंड, फर्स्ट बॉक्स जो भी होगा, जो फर्स्ट बॉक्स होगा उस बॉक्स में डिमांड एंड सप्लाई में जो कम होगा उसे लिखकर कम वाली साइड को कट कर देंगे। देखो फर्स्ट बॉक्स में डिमांड एंड सप्लाई में से जो भी कम होगा, फर्स्ट या वर्ड याद रखना, फर्स्ट बॉक्स में डिमांड या सप्लाई में जो भी कम है उसे लिखा और कम वाली साइड को कट कर दिया। जैसे समझना, ये रहा आपका क्वेश्चन, ओके। अब सबसे पहले डिमांड एंड सप्लाई की टोटल लगा दो, डिमांड एंड सप्लाई की टोटल लगा दो, सेम है 1260 1260। ओके, फर्स्ट बॉक्स कौन सा है, फर्स्ट बॉक्स कौन सा अमाउंट वाले बोल दो ना, अमाउंट के साथ बोल दो, इस अमाउंट वाला, टेबल का सबसे फर्स्ट बॉक्स कौन सा है, मैंने कोई बहुत यूनिक चीज थोड़ी ना पूछ ली, बस सिंपल सी चीज पूछी है, फर्स्ट बॉक्स कौन सा वही पता नहीं चला। फर्स्ट बॉक्स है 10 वाला, ये फर्स्ट बॉक्स हुआ ना, तो इसके अंदर डिमांड 270 सप्लाई 210 जो कम होगा वो लिख देंगे, 210 और 270 जो कम होगा, तो कम क्या है,
210 और कम वाली साइड को कट कर देंगे। 210 कम था तो 210 वाली साइड कट कर दी, तो 270 माइनस 210 यहां कितनी बच गई 60। तो मैंने क्या बोला अभी, सबसे पहले डिमांड एंड सप्लाई की टोटल इक्वल होनी चाहिए जो कितनी है 1260 और 1260। फिर डिमांड एंड सप्लाई में से जो सॉरी फर्स्ट बॉक्स के ऊपर जो फर्स्ट बॉक्स होता है, ये फर्स्ट बॉक्स हमारा ये है, तो इस पर डिमांड एंड सप्लाई में से डिमांड 270 सप्लाई 210, तो डिमांड एंड सप्लाई में से जो कम होगा उसको लिखेंगे, तो 210 कम है और कम वाली साइड को कट कर देंगे। और यहाँ 270 की डिमांड थी, 210 फुलफिल हो गई, बची 60। समझ में आया क्या ये अच्छे से? एमकॉम में किसी को समझ में आ ही नहीं रहा है? एमकॉम में भी सबके समझ में आ गया क्या? अगर नहीं आया तो मना कर सकते हो, वापिस समझा दूंगा, पर हाँ या ना कुछ तो बोलो। सिंपल सा पॉइंट था, सप्लाई और डिमांड की टोटल सेम होनी चाहिए। जो फर्स्ट बॉक्स होता है, फर्स्ट बॉक्स, उसमें सप्लाई और डिमांड में से जो कम है उसे लिखेंगे, तो 210 कम है, उसे लिखकर कम वाली साइड को कट कर देंगे। तो यहाँ 270 की डिमांड थी, 210 फुलफिल हो गई और बची कितनी है 60। ठीक है, इसके बाद में उस बॉक्स से कनेक्टेड कनेक्टेड मतलब जुड़ा हुआ बॉक्स होगा। जैसे देखो ये बॉक्स गया आपका, ठीक है, इससे कनेक्टेड ये दो बॉक्स होते ना, ठीक है, इससे कनेक्टेड ये दो बॉक्स होंगे, ठीक है, उसमें सेम तो देखो, अब एक बॉक्स तो कट गया हमारा, अब उस बॉक्स से कनेक्टेड ये वाला बॉक्स था अगर, तो इससे कनेक्टेड या तो ये होगा या ये होगा, तो उससे कनेक्टेड बॉक्स में डिमांड या सप्लाई में जो कम होगा उसको रख देंगे, जैसे समझना यहाँ पे। अब देखो
10 से कनेक्टेड बॉक्स कौन कौन से हैं? अगर ढंग से देखें हम लोग, 10 से कनेक्टेड बॉक्स कौन से? एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये तो कट चुका है ना, तो बचा क्या हमारे पास में? 25। समझ लो मेरी बात को। देखो सबसे पहले देख लिया, 10 से कनेक्टेड दो बॉक्स है, एक तो 12 एक 25। 12 तो ऑलरेडी कट चुका है, तो बचा मेरे पास कौन सा है? केवल 25 ही तो बचा है, ठीक है? तो इन दैट केस 25 के ऊपर डिमांड कितनी है? 60। सप्लाई कितनी है? 330। तो डिमांड और सप्लाई में से जो कम होगा, तो कम ऑब्वियसली क्या है, 60 ही कम है, तो ये 60 वाली साइड गई और ये 330 में से 60 लेस हो गए, बचा कितना? 270। आया क्या सबके समझ में? चलो अब आपके हिसाब से नेक्स्ट बॉक्स कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए? अब आप लोगों के हिसाब से नेक्स्ट बॉक्स कौन सा होना चाहिए? तो देखो 25 से कनेक्टेड बॉक्स कौन कौन से थे? 25 से कनेक्टेड एक तो 19 और एक 18। तो 18 तो कट चुका है ना, तो बचा क्या हमारे पास में? 19। जो कट गया वहां तो भूल ही जाओ। तो भाई देखो, पहले इससे कनेक्टेड ये दो बॉक्स थे, ये कट चुका था तो इसको देख लिया। आई बात समझ में? तो अब बॉक्स कौन सा होगा? अब सिंपली बॉक्स होगा 19। तो 19 के ऊपर डिमांड देखो 390, सप्लाई 270। कम क्या है? 270। तो 270 लिखा और कम वाली साइड को कट कर दिया, और यहां 390 में से 270 गए, बचे कितने? 120। अब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगला बॉक्स कौन सा होना चाहिए? Obviously, 19 से कनेक्टेड दो बॉक्स हैं, 21 और 16। 21 कट चुका है तो बचा क्या? 16, ठीक है? तो 16 पे डिमांड है 120, सप्लाई है 430। तो 120 और 430 कम क्या है? 120, ये गई कम वाली साइड, ठीक है? और 430 में से 120 गए तो 310। अब नेक्स्ट आपके, अब आप सबको पता है नेक्स्ट कौन सा होगा? 16 से कनेक्टेड कौन सा है? 11। तो 11 पे 310 और 320 कम क्या है? 310, ये गई कम वाली साइड, और यहां पे आ जाएगा लेस 310, तो बच गया 10। तो अब 11 से कनेक्टेड कौन सा था? 17। 17 पे क्या आ जाएगा? 10 और 290, ये 10, बचा 280, और 280 यहां पे आएगा। बस इस मेथड में इतना सही करना आपको। आई बात समझ में? Yes or no? M.Com में भी सबके समझ में आ गई? मैं स्पेशली पूछ रहा हूं M.Com वालों को, उनके समझ में आ गई क्या?
चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। लास्ट मेथड है, सेकंड हो गई। देखो समझ में नहीं आ रही तो अभी बोल देना, मैं अभी और अच्छे समझा सकता हूँ, ठीक है? अगर नहीं आ रही तो अभी बोल दो जस्ट कि नहीं आ रही, तो मैं उसको और अच्छे समझा दूंगा, ठीक है? मेनली एमकॉम वालों के लिए, क्योंकि एग्जाम आएंगे अब कभी भी जुलाई एंड तक में, तो इसलिए आप लोगों को बोलूँगा नहीं समझ में आया तो मुझे अभी बोल देना, मैं वापस समझा दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लीस्ट कॉस्ट मेथड, अब लीस्ट नाम से पता है, लीस्ट कॉस्ट मेथड में, लीस्ट कॉस्ट मेथड में क्या होगा? पहला इस समय सेम ही है, डिमांड एंड सप्लाई मस्ट बी इक्वल, डिमांड और सप्लाई हमेशा क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, ओके? सेकंड, टेबल की लोएस्ट वैल्यू पर डिमांड और सप्लाई टोटल बराबर होनी चाहिए, फिर टेबल की जो लोएस्ट वैल्यू होगी उस पर डिमांड या सप्लाई में जो कम है उससे लिखकर कम वाली साइड को, कम वाली साइड को कट कर देंगे। जैसे यहां देखो, यहां पे डिमांड सप्लाई बराबर, हमने भी लास्ट क्वेश्चन देख ली थी। अब सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है? सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है? 10, ठीक है? तो अब 10 पे क्या रखेंगे? डिमांड सप्लाई, 270 210 कम क्या है? 210, 210 कम है तो 210 की साइड वाली कट कर देंगे, और 270 में से 210 गई, यहाँ क्या बच जाएंगे? 60, ओके? अब क्या करना है?
तो देखो इसके बाद रिमेनिंग वैल्यू में जो लोएस्ट वैल्यू है उस पर डिमांड सप्लाई में जो कम है उससे लिखकर वापस से कम वाली साइड को कट करना है। जैसे देखो अब इसी क्वेश्चन देखो, रिमेनिंग वैल्यू में ये तो पूरी कट गई ना, तो रिमेनिंग वैल्यू में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? इलेवन। उस पर डिमांड 320, सप्लाई 430, तो कम क्या है? 320। तो ये कम वाली चीज लिखी और कम वाली साइड गई और इधर हो जाएगा लेस 320 और बच जाएंगे 110। फिर से अब बची हुई वैल्यूज में सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है? ऑब्वियसली 15। तो 15 के ऊपर डिमांड 280 और 290, तो कम क्या है? 280 और ये कम वाली साइड गई और 290 माइनस 280 तो 10 आ जाएगा। अब बची हुई वैल्यू में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 16। तो 16 पे 390 और 110 कम क्या है? ऑब्वियसली 110 कम है, ये 110 वाली साइड गई 280। अब कौन सी है? 19। तो 19 पे 280 और 330 कम क्या है? 280 ये कम वाली साइड गई, ये बच गया आपके 50। अब वैल्यू कौन सी कम है? 25। तो 25 पे देखो 50 और 60 कम क्या है? 50। तो 50 लिखा, ये कम वाली साइड गई। अब तो 28 ही बची, दो तब 10 10 से 10 ही रखनी पड़ेगी इसके ऊपर। तो आया समझ में सबके? चलिए तो ये फिनिश। कल सबसे आईएमपी मेथड है, सबसे आईएमपी चीज है मॉडिफिकेशन। मतलब ये मान लो, हाँ मैं भेज रहा हूँ, जितना अभी चैप्टर आया है मतलब पूरी ओआर एक तरफ और मॉडिफिकेशन एक तरफ है। तो मेक श्योर अगर समझ में आ गया तो एक बार में आ जाएगा, और नहीं आया तो फिर छोड़ देना, ठीक है? मजाक कर रहा हूँ, आ जाएगा, इजी है। चलो बाय। थोड़ी देर में जीएसटी क्लास है 7 बजे, शार्प 7 बजे ना, और पुराना पढ़ के रखना फिर।